Hello everyone, I am Akash Agarwal from class 9th Lily, St. Mary Convent School, Haldar. Today I will show you some experiment. The main purpose of my experiment are the safety of women and to save our electricity. Let's start the video. Experiment number 1, automatic LDR system. Now let's start the experiment. We will explain this experiment in Hindi so everyone can understand it. हमने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लिया है, इसके 3 लाख लेग्स होते हैं। इसके मिडिल पर लेग से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कराया है जिसकी 100 ओम पावर होती है, और इसके हमने लेफ्ट लेग से एलईडी का नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट कराया है, और रेजिस्टेंस से हमने एलईडी के पॉजिटिव चार्ज पार्ट को अटैच कराया है, और रेजिस्टेंस और एलईडी के पॉजिटिव पार्ट से हमने अपनी बैटरी के पॉजिटिव पार्ट को कनेक्ट कराया है। ट्रांजिस्टर के हमने लेफ्ट लेग से अपने एलडीआर को कनेक्ट कराया है। नाउ आई विल शो यू हाउ दिस थिंग वर्क्स। रेजिस्टेंस, ट्रांजेक्शन, एलडीआर, LED, बैटरी। देखिए अब हमारी बल्ब ऑन हो गया है। अब आप लोग सोचेंगे इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये अपना LDR होता है, इसका काम होता है जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी डे की, तो वैसे ही हमारी लाइट को बंद कर देगा। देखिए देखिए अब आप लोग क्या है, अगर जैसे ही मैं इसके आगे अपनी लाइट के आगे फिंगर रखूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, कि जैसे ही डार्क होगी ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा इस चीज़ को बनाने का ये था कि जो अपनी स्ट्रीट लाइट होती है उसे लोग ऑन ऑफ आउट नहीं करते इलेक्ट्रिक शॉक के डर की वजह से, और अपने दादा दादी जो होते हैं उनकी एज हो जाती है, वे बार बार अपने रूम में लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इस वजह से अगर उनके रूम में ये चीज़ होगी तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। जैसे ही डे होगा ये ऑफ हो जाएगा, जैसे ही डार्कनेस आएगी वैसे ही लाइट ऑन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये हमारे फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर हैं, इनका मेन वर्क ये है, अगर इन पर कोई भी ऐसी फोर्स अप्लाई होगी जिससे इनकी शेप चेंज होगी तो ये उस फोर्स की एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। इनका मेन फंक्शन ये है कि इनसे हम अपनी इंडिया को डिजिटल इंडिया बना सकते हैं, जहाँ पर हम बिना कोल और बिना किसी अदर पावर की एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है, इन्हें हम अपने रोड्स के नीचे या वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर लोगों को आना जाना हो, क्योंकि जैसे ही इस पर प्रेशर अप्लाई होगा ये उस एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम अपनी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। देखिए अब मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं अपनी फिंगर से इसे प्रेस कर रहा हूँ वैसे LED जल रही है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे है तो LED जो है वो थोड़ी कम जलेगी, और वैसे भी फिंगर से इतना प्रेशर नहीं हो सकता जितना रोड पर व्हीकल्स वगैरह कर देंगे, पर आप देख सकते हैं इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक शॉक मशीन फॉर वुमेन सेफ्टी। मैंने ये मशीन कैपेसिटर से बनाई है जो अपने फैन में यूज़ होती है। इसमें एक प्लग अटैच करा है इसकी चार्जिंग के लिए। मैं इसे 10 से 15 सेकंड चार्जिंग पे लगाता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। अभी मैं इसे सिर्फ एक बार ही चार्जिंग पे लगाऊंगा तो एक ही बार शॉक देगी, अगर आप इसे थोड़ी देर एक्स्ट्रा चार्जिंग पे लगाएंगे तो बार बार शॉक दे सकती है। गैस ये बहुत चीप है और आप इसकी पावर तो देख ही चुके हैं, स्पार्क से कितनी तेजी शॉक दे सकती है और हर मूवमेंट इसे बच सकती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर स्कूल चैनल।